मैं और मेरी बहन नैना जायसवाल द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक उपलब्धियों का मूल कारण मेरे माता पिता है। जब मेरे पिता ने ये बात ठान ली कि बच्चे को परवरिश करने से कैसे गूगल पर बनाया जा सकता है, तब मेरे पिता ने मेरे माँ से एक ही अल्फाज कही, हमें आगे बढ़ना है तो पहले बनना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सब मनोबल गिराने का काम करते हैं। इसीलिए कहता हूं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, कुछ रिश्ते रब बनाते हैं, पर कुछ रिश्ते बिना किसी रिश्ते के ही रिश्ते निभाते हैं, शायद वही दोस्त कहलाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों ने मेरे माता पिता का साथ दिया है, इसीलिए आज मैं आपके सामने अतिथि के रूप में आया हूं। वैसे तो मेरे बचपन में चाहे वो पढ़ाई हो या फिजिकल ट्रेनिंग हो, संगीत हो या धार्मिक अध्ययन हो, मुझे हंसते खेलते करवाया गया था। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूं कि माता पिता हो तो अश्विनी कुमार और भाग्यलक्ष्मी जैसे हो। ये बात सच है कि जैसे जैसे हम प्रोफेशनल कार्य की तरफ बढ़ते हैं तो हालात हमें सिखाते हैं कि बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने फितरत से बादशाही होता है। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें ये भ्रम रहता है कि हम दिया को लेकर चल रहे हैं, परंतु हकीकत एकदम उल्टी होती है कि दिया हमें लेकर चल रहा होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर हमारे कर्म अनुसार राह दिखाता है। और दीपक जायसवाल जी का ये मानना है कि सेवा सब की कीजिए पर उम्मीद किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य आपको भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। और छोटी सी उम्र में बड़ा सा सबक मिला कि रिश्ते सब से रखो पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि उम्मीद हमेशा दुखी देती है। और अगर आपको खुश रहना है तो कभी किसी से मदद मत मांगो, क्योंकि मुसीबत तो सिर्फ 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का। और मेरे पिता ने ये कहा है कि नाम और पहचान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, खुद का होना चाहिए, क्योंकि दूसरों की सम्मान करना अच्छी बात है पर आप सम्मान से जीना जीने की पहचान है। और मैं सबसे ये गुजारिश करता हूं कि समय नाम और दिशा दोनों को ही बहा कर ले जाती है, कोई हम में रह जाता है कोई अहम में रह जाता है। और हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर बोल मीठा ना हो तो हिचकिया भी नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। और हमें भगवान का जिक्र करना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। और जिंदगी एक ऐसा रंगमंच है जहां खुद किरदार तो नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या आने वाला है, और तभी जहां तुम जाओगे वह सब तुम्हारा इंतजार करेंगे, और जहां तुम हो वह सब तुम्हें प्यार करेंगे, और जहां से तुम चले जाओ वह सब तुम्हें याद करेंगे, और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम मुकद्दर के बादशाह होगे। और मल्होत्रा जी का जीने का ढंग निराला है, वो जिंदगी अपने ढंग से जीते हैं और उन्होंने कभी दुनिया का कहना नहीं देखा। रिश्ते निभाए तो दिल से निभाए और कभी अपने खुद का फायदा नहीं देखा, इसीलिए आज वो हम सबके प्रिय है। बेटी तो रोटी होती है, जज जाहिर है, पर मैं बुलंद आवाज में कहता हूं कि रुपयों की बेटी
और घर में बेटी किस्मत वालों को नहीं मिलती है, क्योंकि बेटा तो हमेशा माँ बाप के जमीन जायदाद बांटता है, परंतु बेटी हमेशा माँ बाप के दुख ही बांटती है। और हमें बार बार नकारात्मक वचन बोल बोल कर जिंदगी को नरक बनाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। इसीलिए हमें नकारात्मक शब्द, कठोर वचन, अहंकार, गर्व, अभिमान और मन जैसे शब्दों से हमें दूर रहना चाहिए। और उसी प्रकार हमें सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए, क्योंकि इंसान चेहरा तो साफ ही रखता है क्योंकि सब लोगों की नजर उस पर होती है, पर हमें दिल साफ रखना चाहिए। और मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि जब तक आप आपका दिल साफ नहीं रखोगे तब तक कामयाबी आपसे दूर ही रहेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है उस बंदे पर खुदा की नजर खुद ब खुद ही पड़ जाती है और उसकी जिंदगी सवार जाती है। और इसीलिए बड़ों ने कहा है कि नियत में खतरा झोली में पत्थर, और हमें सावधान रहना जरूरी है क्योंकि चेहरा तो सिर्फ एक ही होता है पर किरदार अनेक होते हैं, इसीलिए हमें बनावटी लोगों से दूर रहना चाहिए। एक पल तो आपके सामने आकर रो रोकर आपका हाल पूछेंगे और दूसरी तरफ हंस हंस कर जमाने को ये तात्पर्य बताएंगे कि घर का बेदी लड़का डाले। जो लोग आपकी जिंदगी के रेस में दौड़ कर नहीं आना पाते वही आपको तोड़ कर हारना चाहते हैं, और इसका एकमात्र उपाय साधन रहना ही जरूरी है। और मैं आप सबसे कहता हूं कि तब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप खुद पर आत्मसम्मान भी नहीं करते, इसीलिए मैं कहता हूं कि बल में बल अपना बल। और लोग करते हैं मोल भाव भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त और फिर उसी मूर्ति से करोड़ों मांगते हैं, ये नादानी बेमिसाल है। और अंधेरा दिल में और दिया मंदिरों में जलाते हैं, अतः मन चंगा तो कटोरी में गलगा। और हमें हर बार मीठे वचन ही बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार बोल देने में और तोड़ने में एक ही पल लगता है, परंतु बनाने में और मनाने में सारी जिंदगी भी लग जाती है, और इसीलिए हमें मीठे बोल बोलना चाहिए। और एक व्यक्ति की हार और जीत अपने औलाद से करता है, अगर कमाओ और संस्कारी है तो जीत है, और अगर बेकार और आवारा है तो करोड़ों की कमाई पूंजी होते हुए भी हार है। अगर मेरे बोलने में कुछ भूल चूक हुई तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूं। भारत माता की जय।